हेलो दोस्तों, मैं आकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप एक एटीएम मित्र है, पेमेंट बैंक के रिटेलर हो और अगर आप यहां पे पेमेंट बैंक वाला ऑप्शन को यूज करते हो और आपको पेमेंट बैंक वाला ऑप्शन को यूज करते हुए किसी भी प्रकार का यहां पर समस्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप पेमेंट बैंक वाला ऑप्शन को लॉग इन नहीं कर पा रहे हो या यहाँ पर आपका जो है पेमेंट बैंक वाले ऑप्शन से यहाँ पर पैसा कट गया है अकाउंट ओपन करते वक्त या यहाँ पर जो है आपका डॉर्मेंट हो गया है कस्टमर का अकाउंट, किसी भी प्रकार का यहाँ पर समस्या आ रहा है, रिचार्ज करते वक्त यहाँ पर आपका पैसा कट गया है, यहाँ पर आपका रिचार्ज फेल हो जा रहा है, बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली यहाँ पर देख लेते हो तो 101% यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही समझा। आज मैं लेकर आया हूँ कस्टमर केयर हेल्प सपोर्ट नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। पहला यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा वो यहाँ पर ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल करके यहाँ पर जो है उनसे मेल करके आप बात कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जो प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों वो यहाँ पर मैं बताऊंगा यहाँ पर SMS के जरिए, SMS करके भी आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर जो तीसरा प्रोसेस बताऊंगा वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर हेल्प सपोर्ट का यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर। यहाँ पर आप तीनों तरीके का यहाँ पर यूज करके ये प्रोसेस को यहाँ पर करके आप अपना प्रॉब्लम को इजीली यहाँ पर ठीक कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहना, और अगर तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं मित्र ऐप एप्लीकेशन और आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बताते हैं। चलिए आज का वीडियो को बनाना मिस किए शुरू करते हैं। लॉग इन कर लिया अपना पेमेंट बैंक वाला ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि किस जगह पे आपको हेल्प सपोर्ट का नंबर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको इसे ऊपर की स्क्रॉल करना है, पेज को नीचे आना है, सबसे नीचे आपको आ जाना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा लॉगआउट का ऑप्शन, लॉगआउट के जस्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हो हेल्प सपोर्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले ये ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, लेकिन अब इसके अंदर भी ऐड कर दिया गया है। पहले जो ऑप्शन था ये बाहर था, लेकिन अब आपको अंदर भी देखने को मिलेगा, बाहर भी देखने को मिलेगा। बाहर किस जगह पर देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अंदर वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस जगह पे हेल्प सपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा हेल्प सपोर्ट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईमेल आईडी, यानी कि आप ईमेल के जरिए भी यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पर जो आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा channelcare@airtelbank.com। तो यहाँ पर आप इस पर जो है मेल कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आएगा आप उनसे यहाँ पर कांटेक्ट करके यहाँ पर सॉल्व करवा सकते हो। दूसरा जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो 1214 पे। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है 1214 पे आपको मैसेज करके सेंड कर देना है। तीसरा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉल करके, यानी कि आप कॉन्टैक्ट नंबर से यहाँ पर कॉल कर सकते हो उनसे अपना लापू से। यहाँ पर आपको कॉल करना होगा 1214 पे। जैसे ही आप इस पर कॉल करोगे तो यहाँ पर आपका कॉल कनेक्ट होगा और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उससे आप यहाँ पर जो है अपना सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ और मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ कि किस जगह पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉग आउट वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ। लॉग आउट वाले ऑप्शन पर टैप करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन अगर आपको अंदर में नहीं शो कर रहा है तो आपको ये जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आया है वर्जन 5.30 का, यानी कि यहाँ पर 530 का अभी तक आपने ये वर्जन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका लिंक दे रखा है APK फाइल में, तो आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं लॉगआउट कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लॉगआउट वाले ऑप्शन पर टैप किया, प्रोसेस यहाँ पर हुआ और मैं यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर लेकर आता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये आइकन जो कस्टमर केयर का आइकन है इस पर आपको एक बार टैप करना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिला था सेम आपको देखने को मिलेगा channelcare@airtelbank.com। और यहाँ पर आपको हेल्प का, यहाँ पर आपको जो SMS का यहाँ पर आपको प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1214, और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 1214 पे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है चेंजिंग है, जैसा कि ऊपर में ये ऊपर में था, फिर उसके बाद सेकंड में मैसेज का यहाँ पर ऑप्शन था और थर्ड में यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन पे ये कॉन्टैक्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन बाकी सब सारा सेम है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप यहाँ पे हेल्प सपोर्ट केयर को यहाँ पर यूज कर पाओगे और यहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना। और अगर आपको तभी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने अपना भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो देर किस बात का, जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।
हूँ।